हाँ, कितनी बार कहूँ, झूठ थोड़ी बोलूंगी। उस रजिस्टर में कायरा की सिग्नेचर थी। विहान, अगर उसका सिग्नेचर था तो मतलब उसने हरान को पिकअप किया ना। तो आप कायरा कहाँ है माँ? क्या पता कहाँ गई है? अरे पता नहीं का क्या मतलब माँ, आप दोनों साथ में गए थे, आपको पता होना चाहिए। पता नहीं वो कहाँ गई है और वो क्या कर रही है। अरे कुछ तो गड़बड़ है विहान। माँ ने हरान को पिकअप किया तो ये ढूंढने का नाटक क्यों कर रही है वो? वो धोखा दे रही है बेटा। तो इतना हुआ कि आरू आज देख गई, मतलब लेकिन वो ऐसा कर कैसे सकती है? अब क्या खेल खेल रही है वो हमारे साथ? मिली बस यार, प्लीज, पता नहीं मेरा आरान कहाँ पर होगा, कैसी किस हालत में होगा। आप लोगों ने उसे सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, आप लोगों की वजह से ये सब हुआ है। उसे कोई मतलब नहीं है आरान से, कोई ममता नहीं है उसके दिल में। मिली बस करो, आरुषि दीदी की बेटी है, आपके बेटे की बेटी है। हम लोग उसकी परवाह कर सकते हैं, पर कायरा के दिल में उसके लिए कोई परवाह नहीं है। अरे कहाँ होगा अरहान माँ? मैं आप लोगों को कह देती हूँ, अगर अरहान को कुछ भी हुआ ना, कुछ भी, तो मैं कायरा को मार डालूंगी, उसे छोड़ूंगी नहीं। बस कहा ना मैंने, बस। हर चीज की एक हद होती है। क्यों विहान जी, क्यों बस करूं? आपकी बीवी की वजह से ये सब हुआ है, वो छोड़ के चली आई अरहान को कहीं पे। आप सब लोग सुन लीजिए, जब तक अरहान वापस नहीं आएगा मैं ना तो कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। उसे क्या होगा, वो वापस आ जाएगा। क्यों हमारी मुसीबतों को बढ़ा रहे हैं? क्यों अब संभालो अपने आप को। प्लीज विहान, मैं जा रहा हूँ उसे खोजने और उसे लेकर वापस आऊंगा। ओके, मैं आता हूँ माँ।